रोजाना रात को सोने से पहले ये सीरम अपने फेस पर लगा लीजिए, आपका चेहरा चमक उठेगा शीशे की तरह, आपकी स्किन एकदम क्रिस्टल क्लियर बन जाएगी, आपकी स्किन इतनी फ्लॉलेस हो जाएगी कि आप खुद देखकर हैरान हो जाएंगे। इनफैक्ट अगर आपके चेहरे पर पुराने से पुराने झाइयां हैं, पिंपल्स हैं, एक्नी है, या फिर कितनी भी काली परत आपके चेहरे पर जम चुकी है धूप की वजह से, वो सारी काली परत उतर कर बिल्कुल गायब हो जाएगी। आपकी स्किन इतनी ग्लोइंग और इतनी गोरी हो जाएगी कि आप खुद देखकर हैरान हो जाएंगे। देखिए, कॉम्प्लेक्शन चाहे कोई भी हो, लेकिन अगर उस पे जब डेड स्किन जम जाती है तो हमारा कॉम्प्लेक्शन डार्क लगने लगता है। तो ये बेसिकली आपकी सारी डेड स्किन को, सारे सनबर्न को बहुत अच्छे से निकाल फेंकेगा। सिर्फ आसान से 3 स्टेप है, ध्यान से सुनिएगा वीडियो एंड तक। कोई भी अगर स्टेप स्किप कर देंगे तो बहुत कुछ मिस कर देंगे, और प्लीज मैं नहीं चाहती कि आप आज का मेरा ये वीडियो मिस करें, क्योंकि इसको फॉलो करने के बाद आप महंगे से महंगे फेशियल्स, महंगे से महंगी क्रीम्स को अप्लाई करना भूल जाओगे, ट्रस्ट मी। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले। लेकिन हाँ, बेल आइकन को प्रेस करते टाइम ऑल नोटिफिकेशन पे जरूर क्लिक करिएगा ताकि सारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो उतना ही पसंद आ रहा है, इफेक्टिव लग रहा है, तो जमकर शेयर करना आपकी ड्यूटी है, और लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक बहुत अंदर से खुशी देता है और एक अलग सा ही मोटिवेशन पैदा करता है मेरे अंदर। तो चलिए फटाफट से जानते हैं कौन से हैं वो 3 स्टेप और कैसे उनको फॉलो करना है। बारी आती है फर्स्ट स्टेप की। फर्स्ट स्टेप के लिए आपको क्या करना है, एक खाली बाउल लेना है, उसमें डालना है 2 चम्मच कच्चा दूध और 1/2 लेमन आपने स्क्वीज कर देना है। 1/2 लेमन स्क्वीज करके अच्छे से मिक्स करना है। कॉटन लेना है और अपने फेस को और अपने नेक को अच्छे से क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद आपको 2 से 3 मिनट वो क्लींजिंग, यानी आपको दूध और नींबू का मिक्सचर अपने फेस पे लगे रहने देना है, क्योंकि जो दूध होता है वो आपके पोर्स को डीपली क्लीन करता है और नींबू आपके एक्नी, पिंपल, झाइयों से आपकी स्किन की रक्षा करता है, तो आपकी स्किन को स्मूथ और सफल बनाता है। अब बारी आती है हमारे सेकेंड स्टेप की। अब आपको एक बर्तन में पानी गर्म करना है, उसमें एक सॉफ्ट सा हैंकी डिप करना है और अपने फेस पर उससे स्टीम लेनी है। स्टीम लेने से क्या होगा, आपके पोर्स खुल जाएंगे। जब आपने स्टीम ले ली, इसके बाद बारी आती है हमारे मेन और बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव सीरम की। ये सीरम बनाने के लिए विटामिन सी सीरम है। ऑनेस्टली आपको मार्केट वाला कोई भी सीरम अप्लाई करना ही नहीं पड़ेगा, बस आपने लेना है एक संतरा, उसको आप अच्छे से मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए। ग्राइंड करने के बाद आप एक छन्नी की मदद से छान कर उसका जूस एक कांच के बर्तन में निकाल लीजिए। कांच के बर्तन में निकालने के बाद आपने ज्यादा क्वांटिटी में निकाल के रख लेना है और उसमें से 1 चम्मच आपको एक अलग बाउल में लेना है, उसमें डालना है आपने कुछ बूंदे लेमन की और साथ में 1 चम्मच खट्टा दही, बिल्कुल खट्टा जो होता है ना, खाया ना जाए, बिल्कुल खट्टा दही, उसमें ये तीनों चीजें मिक्स करनी है और अपने फेस पर इसको अप्लाई करके सो जाना है। अगर आपकी स्किन पर पिंपल एक्नी बहुत ज्यादा है तो लेमन की आप 1 या 2 ड्रॉप्स ही ऐड करें। लेमन सूट नहीं करता तो आप उसमें 1/2 चम्मच एलोवेरा जेल ऐड कर लें। ट्रस्ट मी, अगर आप ये तीनों स्टेप्स फॉलो करोगे ना, विद इन अ वीक आपकी स्किन का टेक्सचर इतना ज्यादा सुधर जाएगा कि आप देखकर हैरान हो जाएंगे। और सिर्फ एक रात में आपकी स्किन के टेक्सचर में, आपकी स्किन पर जो ग्लो आएगा ना, जब आप सुबह उठकर ठंडे पानी से अपना चेहरा धोएंगे, तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपकी स्किन का क्या सॉफ्टनेस रही है, कैसा टेक्सचर हो गया है, आपकी झाइयां, आपके पिंपल एक्नी, आपकी कितनी भी पिगमेंटेशन है, सारी की सारी बहुत अच्छे तरीके से निकल जाएगी। आपकी स्किन का कलर लाइटन होने लगेगा, ब्राइटन होने लगेगा। तो ये विटामिन सी सीरम जरूर अप्लाई करें और इससे पहले 2 स्टेप बिल्कुल भी फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि जब आपके पोर्स खुलेंगे तो उसके बाद ही आपको इसको अप्लाई करना है। वीडियो कैसा लगा वो भी जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, लव यू ऑल।